चल आ गए ऊपर ये बढ़िया। ओ भाई राइट, ये देखो राइट दिखे के मतलब फोटो अच्छी आएगी तो वो है, मगर गाइस आपको आईफोन लेना पड़ेगा कम से कम 13 तो चाहिए। गाइस पीछे का व्यू देख रहे हो आप, अभी थोड़ा हम रेस्ट ले रहे हैं, गाड़ी थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं कि भाई दो दिन से सोए नहीं। 380 किलोमीटर 70 किलोमीटर मैंने गाड़ी अपनी चला दी, 100 किलोमीटर एक ये खड़ा पांडे पांडे को देखो, इसकी थी कुछ 40-50 किलोमीटर इसने, 40-50 60 बाटी ने, बाकी मैंने बाटी तो सो रहा है। अब तो व्यू दिखा, व्यू ये देखो आगे आगे दिखा, देखो बाकी चलते चलते हैं ऊपर ऊपर दिखाते हैं भाई। ये पीछे का व्यू देखो, हम देख के रुक गए, हम तो सीधा सामने होटल में देखा था कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो पीने के लिए, अपना मेन कि थोड़ी नींद ना आए, मगर नींद तो हमने सोचा था थोड़ी देर चढ़ के देखते, तो अब व्यू देखो भाई क्या आ रहा है। बाकी शॉट डलेगी इसमें गाने के साथ सिनेमेटिक शॉट में, वो देखना। अरे भाई सारे भाई सारे भाई जय जय बाबा भाई कर दो भाई। अब हम जा रहे हैं कहाँ, चंबा और जा। अबे हम ये कौन सी जगह है जब हम आए थे, अभी हम डनोल्टी आए थे, अब जा रहे चंबा, मतलब उससे 18 किलोमीटर कुछ ऊपर है जो बंदों ने बताया, कह रहे हैं 20 और अच्छा व्यू है भाई, मतलब मसूरी प्लान था देहरादून तक का, फिर मसूरी बन गया फिर चंबा बन गया, देहरादून तक रात को ऐसे घूम रहे थे, देहरादून कभी सोच का हो ना कि आपको देहरादून घूमना नहीं, या तो मसूरी आओ या फिर सीधा चंबा भी चंबा में आप नहीं यार, फिर भी मतलब फर्स्ट टाइम के लिए बंदे के लिए ठीक है, नहीं नहीं बेकार नहीं, आना का ही जाना इनकी मत सुनो, नहीं क्या पता मसूरी से बढ़िया तो भाई ऋषिकेश रुक जाओ। हां ऋषिकेश में रास्ते हैं, ऋषिकेश अबे अभी हम आपको चंबा बताते हैं, चंबा अच्छा होता है, चंबा आना जरूर बढ़िया मिलेगा आपको, चंबा आओ ग्लेशियर देख के जाओ। हां चंबा से आपको ग्लेशियर दिखेगा मतलब फोटो अच्छी आएगी, तो वो है मगर गाइस आपको आईफोन लेना पड़ेगा कम से कम 13 तो चाहिए। चलो अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा व्यू दिखाता हूँ भाई, यहाँ भी आ जाइए पर यार टाइम खराब नहीं करना, सीधा चंबा चंबा आती बार आती बार आती ये देख चंबा देख, अबे ये देख ये देख, हाँ अब दिखा भाई। अब ले रहा मैं एक बीच में ब्रेक, थोड़ा कुछ खा पी ले यार, फिर चलते हैं चंबल, चंबा है ना, चंबा चंबल ओए चंबा, और चंबा से डायरेक्ट ऋषिकेश 94 किलोमीटर, और यहाँ से चंबा 20 यार कितना 15 मान लो 15-17 जितने भी 18 यहाँ से बस ग्लेशियर दिख जाए हमें, और हालात हो रहे खराब बुरी रात से सोई नहीं, इसकी वजह से सो के चलते तो बढ़िया गाड़ी चलती भाई। अब हम मार मार मान ली वहाँ नहीं जा रहे हम, कहाँ जा रहे थे हम, उत्तरकाशी नहीं, अभी चंबा चंबा नहीं जा रहे भाई, बंदे आके बता रहे लोकल की इससे यहाँ से अच्छा व्यू दिखने वाला, जहाँ पे अभी फिलहाल खड़े चंबा डाउन है पीछे, और अब इधर देखो भाई रुक लो थोड़ी देर, ये देखो भाई ग्लेशियर, ये घंटे भर में हो जाएगी, ये रे ग्लेशियर भाई, ये रे ग्लेशियर 2 किलोमीटर है पर ये बस, अगर ऐसे जाए तो। अब इधर खाने पीने आ गए सामने, इतने वहाँ का मौसम खुले एक घंटा कुछ इतने, यहाँ थोड़ी फोटो शूट यहाँ करवाते हैं, फिर खाए के सामने हमने पराठे वराठे बोल दिए, चाय बोल दी, बाकी और देख लेंगे थोड़ा सा। देखो आप ये धूप पड़ रही है इधर, ठीक आ रहा है व्यू, वापिस आ चुके हैं इधर, खाना भी ना खा के पहाड़ पे, थोड़ा बहुत व्यू साफ हो गया, इतना तो नहीं हुआ, धूप वूप आ गई अभी हो गया मतलब ठीक ठाक, तो साफ सा दिखाता हूँ आपको, तो थोड़े बादल आ गए ऊपर ये बढ़िया। ओ भाई राइट, ये देखो राइट वाले, ये देखो ये वाले थोड़े इधर, ये तो बना रहा है अभी, थोड़ी फोटो शूट करवाते हैं, शॉर्ट वोट बनाते हैं कभी, थोड़ा एंगल चेंज, चार कदम ऊपर, थोड़ा इधर से व्यू दिखाते हैं आपको कैमरे में मेरा हाथ, इधर से अच्छा आ रहा है थोड़ा, बाकी ये आपको दिख ही रहा है सारा जो है, यहाँ भी जाएंगे कभी ना कभी, तो यहाँ भी जाएंगे अगली बार वहीं चलेंगे ट्रिप में। गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, वैसे जाएगा सीधा ऋषिकेश नॉन स्टॉप, जो हमारी उम्मीद है मतलब नॉन स्टॉप तो नहीं, मतलब वैसे भी फोटो वोटो का 20 मिनट ब्रेक 20
बाकी तो साहब हमने आपको दिखाई दिया भाई, लाइक हो रहा है, कमेंट करो, पैसे लग गए, कहीं करोड़ों खर्चा हो गया आने का। हाँ तो जल्दी कर दो, अब जा तीस तो, अब तीस तो हाँ लग गए होगा भाई, जा रहे ऋषिकेश और मतलब अब बहुत अच्छी रोड है, व्यू भी तगड़ा आ रहा है, तो और तगड़ा आपको दिखाते थोड़ा, देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है, देख रहे हो भाई साहब, मतलब फोन में तो वही है भाई 50% विजिबिलिटी का, एक तरह की फोन में तो बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। भाई अभी ऋषिकेश जा रहे हैं और देख लिया हमने पहाड़ बर्फ वाले दूर से ही पूरा भाई, ये रोड अच्छी है, मतलब मसूरी वो कौन सी जगह थी जो मेन थी, वो क्या क्या नाम था, धनोल्टा, धनोल्टा के बाद जो था वो गाँव सा चंबा पूरा ऐसे घूम फिर के आ रहे तगड़ा हिसाब, मतलब ऋषिकेश आने वाला था तो भाई ये रोड इतनी गजर है ना, मतलब क्या बताऊँ, गाड़ी तो ऐसे जा रही है पंजा दावा और चल रही है सही है, वो ये रोड कितनी चौड़ी है, गाड़ी कैसे चल रही है, मतलब भाई ये लगा लो जो हम वहाँ पर 2 किलोमीटर 20 मिनट में कवर कर रहे थे ना, यहाँ वो हम 5 मिनट में कवर कर रहे हैं, इतना फर्क आ रहा है 15 मिनट का, थोड़ा भी देख लो महंगा भाई, वो उधर है उधर साइड में बंदर ना बंदर दे बिल्कुल ही भाई, ऋषि के सामने हमारे ये रहा भाई ऋषि के, तो यहाँ क्या है देखो, ये पानी है ना, यहाँ एक डैम है बीच में, वो डैम के पास सब रोक रखा है पानी का, तो इधर इधर तक है कोई नहीं साइड हमारे, बाकी पता चलेगा क्या होता है। और भाई 460 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने लगातार नहीं, मतलब मुजफ्फरनगर मसूरी देहरादून सब कवर करा है ज़्यादा कर मैंने, तो बहुत बड़ा काम कर लिया, बड़ा ही काम है बेटा, बहुत ज़्यादा ही। तो भाई अभी आपको मसूरी दिखाते हैं, जल्दी पहुँचने वाले हैं, 400 पूरी रात से नहीं सोए, सुबह जिस दिन आए थे उस दिन सोए थे, सुबह 5 बजे फिर उठ गए थे 10 बजे, नहा धो के निकल गए थे, उसके बाद तो ये आ गए बाबूजी, इसने क्या सोड़ दिया मैरोली का मछुआरा, भाई इसने नहीं सोने दिया हमें, इसने तो सब परेशान कर दिया, सोए नहीं पूरी रात से और गाड़ी चला रहा हूँ। भाई तुम्हारे भाई ने गाड़ी चला दी अभी तक 480 किलोमीटर, मैंने अकेले ने टोटली गाड़ी चली है 580, इसमें से 100 भाटी की अब मैंने उसे दिया है, पूरा पहाड़ वाड़ सब मैंने निकाला है, अब हालत थोड़ी ख़राब, अब देखो तुम्हारा भाई कैसे लेटा हुआ है, अबे क्या हिसाब है, जल्दी बता मेरा भाई, ये चल रहा अपना ऋषि के साथ बस थोड़ी सी दूर है बिल्कुल।